नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। देश भर में 30 अक्टूबर को छठ पर्व मनाया जाएगा। 28 अक्टूबर से नहाए खाए के साथ पर्व की शुरुआत हो गई है। दिल्ली सरकार ने इस बार राजधानी में 1100 जगहों पर धूमधाम से छठ मनाने का ऐलान किया था। इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं, लेकिन इस बार भी यमुना नदी में सफेद झाग की चादर बिछी हुई है। श्रद्धालु इसी प्रदूषित पानी में पूजा करने को मजबूर हैं। दूसरी ओर प्रशासन द्वारा यमुना के जल में भारी मात्रा में केमिकल का छिड़काव करवाया जा रहा है, ताकि सफेद झाग कम हो सके। इसके बावजूद तस्वीर में कुछ खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है। दूसरी ओर इस बार भी यमुना में प्रदूषण को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि केजरीवाल ने 2013 में दावा किया था कि वह यमुना को इतना साफ कर देंगे कि लोग उसकी डुबकी लगा सकेंगे, लेकिन इसमें आज भी झाग तैर रहा है। तिवारी ने कहा कि आज जब भाजपा नेता कालिंदी घाट पहुंचे तो वहां झाग को छिपाने के लिए जहरीला रसायन का छिड़काव किया जा रहा था। भाजपा नेताओं को देखते ही ये लोग रसायन छोड़कर वहां से भाग गए। मनोज तिवारी ने शुक्रवार को ट्वीट किया और कहा कि फिर एक बार अरविंद केजरीवाल का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आया है। कल जब हम सब ने यमुना जी का बुरा हाल दिखाया और परसों अधिकारियों के साथ स्वच्छता व आस्था के पर्व छठ के लिए यमुना तट सफाई की, तो तब अपने अधिकारियों को धमका रहे हैं कि यमुना किनारे छठ नहीं मनाने दो। वहीं आम आदमी पार्टी कूड़े के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुटी है। आपका दावा है कि यमुना पहले से साफ हुई है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह बेहद ही हास्यास्पद है और गलत है कि यमुना में झाग कम करने के लिए जहरीले रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि रसायन का मतलब जहर नहीं है, यहाँ तक कि पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाली क्लोरीन और फिटकरी भी एक प्रकार का केमिकल ही है। उधर बीजेपी सांसद परवेश वर्मा बदसलूकी के आरोपों में घिर गए हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें यमुना के किनारे बीजेपी सांसद परवेश वर्मा उलझते दिख रहे हैं। झाग पर केमिकल का छिड़काव करने वाले अफसरों को डांटते दिखे और जुबान बेकाबू हो गई। हालांकि बाद में परवेश वर्मा छठ का सवाल उठाकर खुद को बवाल से अलग कर रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सांसद परवेश वर्मा का वीडियो शेयर किया और कहा कि दिल्ली सरकार छठ पूजा की तैयारी कर रही है और भाजपा के नेता काम रोक रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। भाजपा चाहती है कि पूर्वांचली भाइयों को परेशानी हो और त्योहार खराब हो। इस वीडियो में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा अधिकारियों को केमिकल का छिड़काव करने पर डांटते नजर आ रहे हैं। पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? किसके? ये अप्रूव्ड है, यहाँ पे अपना कर रहा है, अप्रूव्ड है। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म की क्या बात है, ये NMCG के मिनट्स, NMCG से अप्रूव्ड है। मैं आपको मिनट्स की कॉपी दिखा दिया कर रहा है बकवास यहाँ पे। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप कंप्लेंट करिए। तू यहाँ पे डुबकी लगा, चल यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। ये कार डेसिग्रेटेड नहीं है सर। ये तो फिर क्यों कर रहे हो यहाँ पे? ये तो क्यों, अगर क्यों कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें साला 8 साल में ध्यान नहीं आया, कल यहाँ पे लोग मनाएंगे छठ तो तुम यहाँ पे अपना कर रहे हो ये काम? बेशरम घटिया आदमी, दिमाग खराब। मैं आया अप्रैल में, मैं यहाँ पे डुबकी लगा सकता, तेरे सर पे डाल दू केमिकल? ये अप्रूव्ड है कर रहा है, काम कर रहा है ना। पूरे कल से बंदा यहाँ पे खड़ा है, मैं कल से यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं आता हूँ यमुना जी की सफाई करने हर शनिवार संडे, अकेला आता हूँ, मेरी टीम है। 8 साल से इनको अब आया, 8 साल की मत आज का देखिए ना, 8 साल पहले क्या हो रहा था वो मत देखिए। आज जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आते ना यहाँ पे साफ सफाई करने, कौन आता है सर? कोई नहीं आता। आपको नहीं दिखाई सर? मैं यहाँ रोज रहता हूँ, मैं आया हूँ, खुद आया हूँ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। आज आप आए हो? मैं आया हूँ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। सर एवरी सैटरडे संडे आते हैं, आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं हम। अच्छा तो आप चाहते हैं कि ऐसे ये ठीक चले? नहीं नहीं, हम चाहते हैं और बेहतर। तुम चाहते हो ठीक चले? हम चाहते हैं कि यमुना जी साफ हो जाए, कोई भी करे, कोई भी पार्टी करे। हमें प्राकृतिक स्वच्छ चाहिए, हमें ये नहीं कि हम इस पार्टी से स्वच्छ हो जाएगा। और क्या मिलाने से स्वच्छ? नहीं, ये केमिकल खतरनाक है। कौन सा केमिकल आपको पता है? आप पता है कौन सा? इससे झाग खत्म हो गया, लेकिन कौन सा केमिकल आप बताओ? चैनलों पर नहीं आ रहे आप बताओ कौन सा केमिकल है? न्यूज चैनलों पे आपको पता नहीं केमिकल है? आप बता दो ना कौन सा है, आपको पता है कौन सा केमिकल है? आया हो सर्टिफाइड, क्योंकि आप कुछ भी बोले जा रहे हो।
भैया पहले ना पहले समझो, अधिकारी एक बंदा है, इतना ऊपर पोस्ट है, क्या करके आया? नेता नहीं बन के काम चलता है, अधिकारी जो है बंदा यहाँ पे प्लांट तो पता ही नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बात कर रहे हो, पता ही नहीं है हम जो बोल रहे हैं, बहुत सही बोल रहे हैं आप, जो तुम बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। मैसेज आना शनिवार को, मैसेज आना बता सकते हैं आपको, आप हमसे पूछ भी नहीं सकते हो ना, हम आपसे पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा, पूछो ना, सिलिकॉन है।